हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और हर बार की तरह आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, तो प्रोविजंस क्या होता है दोस्तों? प्रोविजन का सबसे पहले हम लोग मीनिंग डिस्कस की है। इट इज एनी अमाउंट सेट असाइड और रिटेन्ड फ्रॉम द प्रॉफिट्स टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी, द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी असर्टेड विद अ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इमेजिन करने के लिए बोलूंगा। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और काफी कुआसा वाला वेदर है और आपको लग रहा है कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा गाड़ी है और मतलब वो आपको समझ नहीं आ रहा है और क्या नेचर है, मतलब क्योंकि इतना ज्यादा कुआसा आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो इस हालात में आपका सबसे सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? आप अपना बाइक को रास्ते के साइड में जाकर के आप उसको खड़ा करो, रोको, पहले पास करने दो गाड़ी को, पहले पास हो जाएगा, फिर आप आराम से धीरे 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 आप आगे बढ़ो। ये आपका सबसे सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। प्रोविजन एग्जैक्टली इसी के लिए बनाया जाता है। अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे आइटम आ जाते हैं जिसके बारे में हम लोगों को लगता है कि ये लायबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर में क्रिएट करेगा, नॉट कर सकता है, करेगा ही, लेकिन वो लायबिलिटी का अमाउंट कितना होगा, वो 5,000 होगा, 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20,000 होगा, वो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं एक प्रोविजन। तो आइए देखते हैं अब एग्जैक्टली क्या वर्ड्स है, उसको वर्ड्स के हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो इट इज एनी अमाउंट, ये कोई एक ऐसा अमाउंट है। सेट असाइड करना मतलब हटा के रखना, रिटेन करना मतलब हटा के रखना। कहां से हटा के रखेंगे इस अमाउंट को? फ्रॉम द प्रॉफिट्स, मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट्स हुआ होगा उस प्रॉफिट में से हम लोगों को क्या करना होगा, इस अमाउंट को हटा के रखना होगा। टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी, नोन लायबिलिटी मतलब हम लोगों को पता है कि देयर इज सम लायबिलिटी, ठीक है, देयर इज सम लायबिलिटी, वी नो अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस, वी आर कंफर्म दैट देयर इज सम लायबिलिटी, बट वी आर अनेबल टू जज वेदर द अमाउंट इज 5,000 और 10,000 और एनी अदर अमाउंट। मतलब वो अमाउंट हम लोग जज नहीं कर पा रहे, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एसर्टेन्ड, कैन एसर्टेन करना मतलब डिटरमाइन करना, ठीक है, असर्टेन करना मतलब होता है डिटरमाइन करना, विथ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी मतलब कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में कुछ अमाउंट को हम लोग रिटेन करते हैं, मतलब हटा के रखते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स, ताकि एक नोन लायबिलिटी के लिए हम लोग तैयार रहें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। अब आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए लायबिलिटी। ऑब्वियस बात है कि ये लायबिलिटी को हम लोग को पता होता है कि पहले से ही कि देयर इज सम लायबिलिटी, तो दैट इज वाई हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये एक लायबिलिटी नेचर का एक आइटम है। इनफैक्ट रियल, नॉमिनल, पर्सनल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो प्रोविजन को कहा जाता है इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए वैल्यूएशन अकाउंट, ये एक अलग ही नेचर का अकाउंट है। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए वैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे एस्टिमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, अंदाज लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं ये तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं। देखिए मैंने अभी अभी आपको जो बोला वो तीसरा पॉइंट का पार्ट है। इट इज एन एस्टिमेट, यहाँ पे अंदाज लगाया जा रहा है रिगार्डिंग एन आइटम, ठीक है, ऑफ लायबिलिटी हुज अमाउंट इज अननोन, ठीक है, हम लोगों को पता नहीं है कि लायबिलिटी का अमाउंट कितना होगा, लेकिन ये जरूर मालूम है कि लायबिलिटी जरूर है। तो यहां ऐसे हालत में हम लोग एस्टिमेट करने का कोशिश करते हैं, जज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको आप उस पर ध्यान दीजिएगा। क्रिएटिंग अ प्रोविजन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आपको क्या करना होगा प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, आपको आपका अपना लॉजिकल रीजनिंग का जो स्किल्स है वो यूज करना होगा, मतलब लॉजिक यूज करना होगा कि क्या होने से क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स, आपको साइंटिफिक मेथड्स यूज करना होगा, ठीक है, एंड जजमेंट, आपको अपना जजमेंट, अपना बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा ऑन द पार्ट ऑफ द अकाउंटेंट। अच्छा,
जर्नल एंट्री क्या होगा ऐसे प्रोविजन का। तो जर्नल एंट्री के केस में देखिए क्या लिखा है। जर्नल एंट्री में बोल रहा है कि फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन, हम लोग का जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल सा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप देखिए यहां पे मैंने डेबिट किया है और प्रोविजन अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, ऑल लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसीलिए हम लोगों को प्रोविजन को क्रिएट करना पड़ा। और कहां से यह प्रोविजन बन रहा है, ये बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट से, तो दैट इज व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। नरेशन क्या दिया जाएगा, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। अब देखिए अगला पॉइंट बहुत ही वाजिब पॉइंट है, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि अगर हम लोग सर प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है, प्रोविजन क्रिएट करना कंपलसरी है आपके लिए। अगर सिचुएशंस वैसा अराइज करेगा तो यू विल हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, देयर इज नो, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज कंप्लीटली कंपलसरी। तो प्रोविजन इज कंपलसरी, तो जो चीज कंपलसरी होता है उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्रोविजन इज क्रिएटेड एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट किया जाता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, तो इसीलिए प्रोविजन क्रिएट करना कंपलसरी हो जाता है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं याद दिला देना चाहता हूं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि अकाउंटेंट शुड बी रेडी फॉर ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर All possible gains, मतलब ऐसा gains जो अभी तक आपको हुआ नहीं है, आपको होने का संभावना है, तो संभावना के आधार पे हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, जहां तक गेन का सवाल है तो अकाउंटेंट को बोला जाता है कि तुम गेन अगर तुमको होने का पॉसिबिलिटी है तो इग्नोर करो, तुमको उसकी तरफ देखने का जरूरत नहीं है। जब गेन एक्चुअली में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, रियलाइज होगा, ठीक है, कैश रियलाइज होगा उसके लिए, तब तुम रिकॉग्नाइज करना। लेकिन जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा, थोड़ा सा भी हम लोगों को सिचुएशन अराइज कर जाएगा कि देयर इज अ केस ऑफ लॉस, फ्यूचर में लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है ना वेट मत करो, अभी तुरंत रिकॉर्ड करो, अभी उसको तुरंत रिकॉर्ड करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसीलिए प्रोविजन बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सम बुक्स आल्सो से द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, दोनों एक ही है, तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस के आधार पे प्रोविजन यहां पे बनता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मान के चलेंगे ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पास पहले से कुछ प्रोविजन है, ठीक है, और आपको एक न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है, उस केस में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कहां दिखाया जाएगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। दोस्तों कंटिन्यू विद द वीडियो, अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझेंगे प्रोविजंस का कि किस किस तरह का मतलब अकाउंट्स में किस किस तरह का प्रोविजन हम लोगों को दिखेगा। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार किया है। सबसे पहले है प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम लोगों को डेप्रिसिएशन क्रिएट करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके बाद आपको दिखेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है, जब आदमी रिटायर करता है कोई कंपनी से तो उसको ग्रेच्युटी मिलता है, तो उसके लिए प्रोविजन बनता है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कोई वर्कमैन अगर काम करते करते इंजर्ड हो गया, चोट लग गया, या मतलब ये कि सिक हो गया, तबीयत वगैरह खराब हो गया, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए प्रोविजन बनता है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स, जब एसेट धीरे धीरे पुराना होते रहता है तो उसमें रिपेयर वगैरह बढ़ जाता है, रिपेयर के खर्चे बढ़ जाते हैं, इसके लिए कोई कोई कंपनी प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स क्रिएट करके रखता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कुछ कुछ डेटर्स अर्ली पेमेंट करते हैं तो उन्हें आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पे इसके लिए भी प्रोविजन अकाउंट्स में बनता है। तो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं एक एक्सट्रैक्ट तैयार किया हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट
ये वाला जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ये इनकम्स को रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी इनकम्स हैं वो, और ये वाला जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो ये एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो आपको डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, अब आप डेबिट साइड में आप यहाँ पे ऐसे दिखाओ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कोई भी प्रोविजन होगा तो उसका इसी तरह का ट्रीटमेंट जनरली होता है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, हो सकता है पहले से भी लास्ट ईयर का कुछ प्रोविजन होगा तो आपको न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन आप करोगे। जैसे मान लीजिए न्यू प्रोविजन आपने क्रिएट किया 500 रुपया का और पूरा पहले से ओल्ड प्रोविजन था 100 रुपीज का, तो 500 माइनस 100 आपका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 400 रुपीज, तो ये 400 को आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। अच्छा, अगर मान लो कि ओल्ड वाला ज्यादा है तो रिवर्स ऑटोमेटिकली रिवर्स सिचुएशन अराइज करेगा, मान के चलिए कि ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, ठीक है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड वाला ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए ओल्ड वाला प्रोविजन है 1000 रुपीज और न्यू वाला प्रोविजन छोटा है, तो न्यू वाला प्रोविजन है सपोज 700 रुपया, तो इन दैट केस ज्यादा प्रोविजन क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है तो आप उसको क्या करिए, डिफरेंस जो 300 है उसको क्रेडिट साइड में आप दिखा दीजिए। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब हम लोग बैलेंस शीट थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में किस तरह से इसको दिखाया जाएगा। मान लीजिए हम लोग सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ही हम लोग दिखा रहे हैं, तो आप एसेट साइड में आइएगा, बैलेंस शीट एसेट करके लिखा हुआ देखें, एसेट साइड में डेटर्स को लिखिएगा, उससे लेस करिएगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो अमाउंट होगा उसको लिखिएगा न्यू वाला प्रोविजन, यहाँ पे ऑलवेज याद रखिएगा न्यू वाला प्रोविजन यहाँ पे लिखाएगा, तो माइनस करिएगा करके जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप डाल दीजिए। तो दिस इज द वे। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके लिए पहले से कोई, जैसे डेटर के केस में प्रोविजन पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप एडजस्ट कर लिए डेटर्स के साथ, मान लीजिए कोई अननोन लाइबिलिटी, कोई फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए आप प्रोविजन बनाना चाहते हो, तो इन दैट केस बहुत सिंपल है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये तो करना ही होगा, ये तो लिखना ही होगा टू प्रोविजन, फिर यहाँ पे आकर के लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में उस प्रोविजन को आपको लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, तो आपका प्रोविजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। तो आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आया, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।